हे गाइज वेलकम बैक टू आवर चैनल. आई एम प्रिया. मी आयुषी टुगेदर विद प्रियाशी. काहे कि दीदी अभी रेस्ट में है तो अभी हम जा रहे इसके साथ. अभी बज रहे सुबह के 6:30 और हम जा रहे हैं हॉस्पिटल अपना अल्ट्रासाउंड और ब्लड टेस्ट करवाने के लिए. और दीदी से बिल्कुल भी उठा नहीं जा रहा था, वो बहुत ज्यादा थक गई थी. वैसे देखा जाए तो आकाश से भी उठा नहीं जा रहा था, मेरे से भी उठा नहीं जा रहा था. हम इसको जबरदस्ती उठा के लाए हैं. हम बोले कि भाई कल का टाइम है, चलो आज ब्लड टेस्ट करवा लेंगे दिन में उठ के, अल्ट्रासाउंड करवा लेंगे. मेरे लाइन लग जाता लंबा, और अगर सुबह आके लाइन नहीं लगाएंगे तो वही चीज फिर हमको 12 बजे तक होगा. 4 घंटा लाइन लगने से अच्छा है कि 1 घंटा जल्दी उठ के चल जाए. अब यहाँ पर देखो क्या होता है, जाकर देखते. आई थिंक 1 घंटे में सारा काम हो जाएगा तो अच्छा है. जल्दी जल्दी हो जाए यार, ऐसे दिल भी बहुत ज्यादा धुकुर धुकुर कर रहा है. तो हॉस्पिटल जाके देखते हैं कि क्या सीन है क्या नहीं है. फिलहाल चलते हैं. आज हॉस्पिटल में रानी के केवल 2 ही टेस्ट हो पाए थे और अभी 2 टेस्ट और बाकी थे. तो घर आने के बाद आकाश अपने ऑनलाइन क्लासेस ले रहा था, इसीलिए हम बोल नहीं पाए थे वहाँ पर. और यही रीज़न से मेरे को अभी वॉइस ओवर करना पड़ रहा है. एंड रानी लंच की तैयारी कर रही थी. माय गॉड, इतनी गर्मी में खाना बनाना बहुत मुश्किल है. सो हॉस्पिटल से आने के बाद हम लोग सो गए थे लिटरली. हम लोग लिटरली यार, हमको लिटरली ना ही बोल रहा हूँ. सब कमेंट भी करते हैं कि प्रिया दी और उनका जो लिटरली है वो कभी भी नहीं जाएगा. लाइक सीरियसली. हाँ ये भी था. खैर तो खैर देखो अभी हम बताए फटफट जल्दी बता, फिर हम जो भूल जाएंगे वो तुम बता देना. तो हम आप लोगों को बताते हैं. हॉस्पिटल से हमने रानी को दिखाया, डॉक्टर ने बोला कि आप टेस्ट करवा सकते हो. लाइन बहुत लंबी थी. हमने कहा कि हम लोग प्राइवेट करवा ले जैसे हम अपना करवाए थे. तो डॉक्टर ने कहा कि नो 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 नो, इसका टेस्ट तो सीएमसी में ही होगा. सीएमसी की लाइन इतनी लंबी होती है कि हमने सोचा कि कोई बात नहीं, हम लोग आज ना करवा करें, कल सुबह सुबह. हाय छोटा सा बच्चा था, कितना डरावना की बहन, 2 फुट का होगा. तो उसके बाद डॉक्टर ने बोला कि यहीं से करवाना है. तो हमने सोचा कि कल सुबह सुबह 7 बजे जाकर के इसका अल्ट्रासाउंड ब्लड टेस्ट थायराइड टेस्ट सब कुछ करवा लिया जाएगा. उसके बाद हम लोग घर आकर के सो गए थे. इतनी नींद की पूछो मत. आधे घंटे पहले उठ करके हम लोग फटफट नहाए क्या, पानी डाले बस और रेडी हो गए थोड़ा सा बाहर जाने के लिए. यार पता है रूम में बैठ के और थोड़ा लगता है कि अच्छा जा रहा है, तो बाहर जाएंगे थोड़ा सा शॉपिंग. सोच रहे हैं कि हम लोग बाहर जाके करेंगे कुछ अच्छा मिल गया तो. क्योंकि हम लोग ने सुना है कि जितने भी सुना है कि साउथ के जितने भी साड़ी होते हैं, खासकर सिल्क की जो साड़ियां होती है ना, वो बहुत अच्छी क्वालिटी की होती है. तो दीदी सोच रही है कि एक बार देख लेते हैं कि यहाँ की साड़ियों का रेंज क्या है ना. देखो लास्ट व्लॉग में आपने देखा ना कि मेरा रिपोर्ट नॉर्मल नहीं है, पर मेरा रिपोर्ट उतना घटिया भी नहीं है जितना हम सोचे थे. तो ठीक है, इतना दुख सहे हम और सह लेंगे, लेकिन अभी आने वाला टाइम को हम बिल्कुल स्पॉइल नहीं करना चाहते हैं. एंड एक चीज आपने नोटिस किया होगा, अभी हम लोग जहाँ खड़े हैं वो हमारा रूम नहीं है, बल्कि वो दूसरा रूम है, हमारा होने वाला रूम. एग्जैक्टली, अभी हमें यहाँ पर 1 हफ्ता और रहना. और जो नीचे वाला रूम है ना, जहाँ हम अभी रहते आ रहे थे, वो थोड़ा छोटा है. जिस चक्कर में हमें थोड़ा कंजस्टेड हो जाता है. एंड एक और चीज, किचन अंदर में नहीं है, बाहर है. तो वॉश बेसिन ना सब लोग यूज कर दे रहे, कोई कोई आके थूक भी दे रहा है. मतलब लाइक लिटरली हमको स्लैब पे ना बर्तन रखने का मन भी नहीं कर रहा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट. तो ये रूम भरा हुआ था, आज यहाँ जो लोग थे उन्होंने खाली कर दिया. तो अभी हम लोग ये रूम लेने वाले हैं. ज्यादा का डिफरेंस नहीं है, 100-200 रुपए का डिफरेंस है. एंड यहाँ पर मेन बात है ना कि वेंटिलेशन बहुत अच्छी है और आपको यहाँ पर इंडियन टॉयलेट भी मिल रहा है. दिखाते हैं पूरा, ठीक है. वेट, ये सबसे टॉप का फ्लोर है, वहां से हम लोग एंट्री करेंगे. छत देखो कितनी ज्यादा बड़ी है. इधर हम लोग पहले रहा करते थे, ये नीचे वाले पे. एंड इधर से ये बहन इधर आ गई. अंदर घुसो रूम के अंदर, हम लोग चलेंगे. काफी बड़ा है, ऊपर से 4 बेड है. मतलब सीरियसली आकाश को ना एक बेड से नहीं हो पाता है. ठीक है वो 2 बेड अपना ले लेगा और सर कैसे सोएगा. हाँ. तो मैनेज कर ही लेंगे. वहाँ पर रैक भी बहुत ज्यादा है तो दिक्कत नहीं होगी, इतना सारा रैक है. किचन, हटो सामने से हटो. किचन एटलीस्ट हम लोग अपने सारे सामान को ना अच्छे से रख लेंगे. यार बहुत खुशी हो रहा है. हाय दिस इज मी, इसको साफ करना है. एंड ये टॉयलेट भी अच्छा है, इंडियन है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है. कमोड होता तो भी मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं होता. भाग गई ए बहन, काफी स्पेशियस है ना. लेकिन ये मेन बात है कि आराम से इंसान सोएगा, गर्मी नहीं लगेगी. और देखो ना वेंटिलेशन, इधर भी खिड़की है, उधर से भी वेंटिलेशन आएगा, इधर भी बड़ा सा दरवाजा है. परफेक्ट परफेक्ट. क्यों ऐसे क्यों डरा भाई, मेकअप नहीं किया. आज राज खुल गया ना कि मेकअप करते नहीं. हम तेरा इसलिए लिए, पता है देख रहा ना सब मेकअप को बिना कैसे दिखता. सुनो ना पीछे जाओ. हम तेरा इसलिए लिए क्योंकि आप 4-5 दिन से देख रहे हो ये लड़का यही पहन रहा है. दूसरा कपड़ा निकाल के धोने का मतलब, अरे सुन ना मेरा सब, हम लाए डेनिम सेट. बूट. दादी हंस रही है ये लोग का लड़ाई देख के. बूट लाया है डेनिम सेट लाया पहन.
अंदर वाला चेंज कर रहे हैं, बाहर का सोच के तुम आया था वेलोर? वेलोर सोच के आया था कि थोड़ा सा हवादार तो होगा, हवा आ भी रहा है। चल चल चल, देखो हमारे वो क्या नाम है, लॉज के सामने वो बड़ा सा पहाड़ है, हमारे छत से भी दिखता है। चले क्या, चल रे चल, कमा पहले। हाँ चल भाई, अभी तो तुम रूम देखा, फिर से एसी वाला। हमने वो रूम तो चेंज कर लिया है जिसमें हम लोग पहले रहते थे। ऐसा नहीं है रूम से कोई प्रॉब्लम है, ना यहाँ के लोगों से प्रॉब्लम है, इट्स जस्ट वेंटिलेशन एंड गर्मी। कल रात का मतलब प्राइवेट चीज भी मिल जाएगा हम लोग को, बेसिन जिसकी सख्त जरूरत है। हाँ बस बेसिन को लेके हम थोड़े तकलीफ में है। एंड दूसरी चीज़ हम आपको बताते हैं रात में हो क्या रहा है, इतनी ह्यूमिडिटी, कल रात भर हम नहीं सोए हैं। अभी सुबह रानी के साथ हॉस्पिटल गए थे ना, मतलब हम पागल हो गए थे, हम 1.5 घंटे सो के गए हैं, रात भर पसीने से तर बतर, बिस्तर गर्म हो गया है, बिस्तर गीला हो गया है, तकिया गीला हो गया है, बाल अंदर से पूरा गीला, मतलब इतना गर्मी रानी, पीठ तो पूरा गीला हो जा रहा है और बाल तो चिप 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 चिप, पूछो नहीं। खैर दीदी मेरे को अभी ये बताओ तुम कि पहले खाना खाओगी कि पहले शॉपिंग करोगी? लेट्स सी, पहले लस्सी पी लेते हैं उसके बाद। एंड पता है रात में तुम भी पूरी गिरी थी, इसको तुम छुए ना वो घिन आ गया रानी को, ऐसे ना चट चट। तुम भी भाई, तुम तो नहा रहा था, ये तो बस सूखी हुई थी हल्की सी, सुगंधित गुलाब जल निकलता है। मतलब कहाँ से ऐसे लोग आते हैं यार, तुम मेरा कपड़ा दिखा दी सबको ना, हाँ इसीलिए अपना तारीफ कर रहा है। तो देखो अभी जा रहे पे हम लस्सी पी रहे, पेट को ठंडा कर रहे क्योंकि हम लोग गर्म हो गए हैं, ऐसे ही हम लोग हॉट है, ऊपर से हॉट वेदर में आ गए हैं, तो हॉट समर ऊपर से मैं भी हॉट, तो हॉट स्क्वायर हो गया है जो कि हमारे जहाँ जहाँ चल रही है वहाँ वहाँ का रोड का कचरा पिघल जा रहा है। हाँ तो जा रहे ठंडा करने के लिए, फोन आया भाई तुम्हारा, तो चलो आगे मिलते हैं, अभी बहुत चल के पैदल सफर तय करना है, बस टाइम पास करेंगे अपन लोग। तो यहाँ पर दीदी मंगाई थी लस्सी, आई थिंक ये ड्राई फ्रूट्स लस्सी था ना दीदी, और आकाश तो बहुत टेस्टी दिख रहा है, क्या है आकाश? कोल्ड आइसक्रीम लस्सी नहीं, ये कोल्ड कॉफी है। अच्छा कोल्ड कॉफी, हम आइसक्रीम लस्सी, कोल्ड कॉफी विद आइसक्रीम, यहाँ आइसक्रीम लस्सी का भी ऑप्शन है जो कि हम पहली बार सुने। और दीदी टेस्ट कैसा लगा तुमको? हमको तो दही नहीं पसंद, ये टेस्ट कर सकते हैं हम, मस्त है दीदी, ठीक है देखो। ओहो वीडियो के लिए बस कर रहा है गाइस, मेरे को नहीं सब ऐसा सी पसंद नहीं है, इतनी चूजी है ना, इतनी चूजी है ना, बाप रे बाप, वाह भाई बहनों का प्यार देख रहे हो, आइसक्रीम नहीं यार कोल्ड कॉफी तो पियो। हाँ वो तो नहीं है, कपड़ा गंदा कर दिया। अच्छा आप में जो करती हो हमेशा देखा ना, देखा ना अपना जज्बात बदल रही है यार, हमको घर से लस्सी लस्सी बोल के लस्सी ऑर्डर करवा के खुद कोल्ड कॉफी कर। अच्छा हाफ हाफ कर लो ना, थोड़ा थोड़ा पी के फिर अपना एक्सचेंज कर लो, सिंपल सी बात है। और मेरा अभी तक नहीं आ रहा है। एंड लास्टली हमने ऑर्डर किया है पनीर ग्रिल सैंडविच, सो टैंगी, एक्सट्रीमली टैंगी। यहाँ पर हम लोग लस्सी पी लिए, सैंडविच खा लिया, उसके बाद आकाश और दीदी दोनों चले गए फिर से होटल में, भी कोई पार्सल आया था और बच्ची की तरह हमको यहाँ पर बैठा दिए हैं और बोले हैं कि रानी यहाँ से बिल्कुल भी मत हिलना, मतलब इतना कोई कैसे हो सकता है, बट कोई बात नहीं, हम फालतू में क्यों चले, बैठ जाते आराम से, पालती मार के बैठ गए और वेट करते हैं कि दीदी आकाश कब आ रहा है। ये देखो 15 मिनट तक लेट करवाने के बाद अभी ये लोग पहुंच रही है, पता नहीं पार्सल ले रही थी कि क्या, पार्सल मिला, इतना लेट क्यों लगा? अरे वो डिलीवरी बॉय नहीं आता, चल अभी हम खो जाते हैं, अभी हम खो जाते था, खो जाते था, फोन हम गलती से दोनों लेके चले, तुम्हारा पॉकेट में तो हम डाल दिए ना तेरा नाम वाम लिख के और फोन नंबर, चलो मानेंगे ना। हम लोग जब कल KFC से लौट रहे थे ना तो हमने एक साड़ी की दुकान देखी थी, अभी उसी दुकान को खोजते हुए हम लोग पैदल आ रहे हैं और वो दुकान खो गई, और हम लोग काफी ज्यादा पैदल चल रही है ना, बहुत ज्यादा, जितना भी खाया थे सब डाइजेस्ट हो गया। ए भाई बस दुकान मिल जाए तो चलना बेकार हो जाएगा हमारा, आई थिंक आगे है। अभी हम लोग कर रहे हैं शॉपिंग, एक हमने ले लिया है, अभी बाकी लोगों के लिए ले रहे हैं। हम लोग जिस दुकान की तलाश में थे वो तो नहीं मिला, मेरे हाथ से फोन, अच्छा तुम ले लिया, मेरे पास ले लिया,
वो तो दुकान नहीं मिला, कोई और दुकान मिला। यहाँ से हमने काफी शॉपिंग की है, अभी और करेंगे आगे चलते हैं। ये रैंडम शॉपिंग था और अच्छे अच्छे कलेक्शंस थे तो हमने ले लिया, बस अभी बिलिंग करवाना बाकी है। तो दीदी लोग यहाँ पर दम तक शॉपिंग कर चुकी है और रानी पानी पी के अपना जेब ढीला करने के लिए तैयार हो रही है। ले लिए, पर कलेक्शन अच्छा था, मजा आया देख के ना, अचानक से हम लोग ले लिए। बहुत सारा कुछ ली है जो कि ये लोग अनबॉक्सिंग करेगी घर जाके। अच्छा शादी का आइटम लियो। तो रानी लोग यहाँ पर गजरा ले रही और तिरुपति में लूट चुकी थी, यहाँ पर 10 रुपए मिल रहा और तिरुपति में 30 रुपए का मिल रहा था। दीदी यहाँ पर 40 सोचे बार्गेनिंग कर लिया। ले लो पैसे, क्लिप मिला रानी दीदी को फ्री में। यहाँ पर रानी अपना परम धर्म निभाते हुए छोटी बहन का भले हाइट नहीं पहुंच रहा पर पूरा कोशिश कर रही है। दोस्तों यहाँ 10 रुपए में आपको गजरा आराम से मिल जाएगा। ठग दिया हमको उस दिन, ये तुम कैसा लगा? ये पे अच्छे से लगा है, दिख रहा है ना गजरा, पूरा दिख रहा है गजरा। कैसा कपड़ा का वो गजरा पहना। रानी भी अपने लिए गजरा ले चुकी है, देखा देखी इसको भी मन कर गया। मोबाइल मोबाइल देखो, ये छपरी छपरी निधि को देख सकते हैं, टॉप के कलर का मैचिंग मोबाइल कवर। चलो फरमाइए क्या बोल रहे थे आप? नाइटी खरीद दो। नाइटी खरीद दे? हाँ। मेरे पास पैसा थोड़ी जो है। पसंद करो, तेरे पास पैसा कभी रहता है? कभी नहीं रहता है। लाइट वाइट जलता है क्या? टाइट ना ये। कैसा? चप्पू को बैंड भी मिल रहा है फ्री में, तो चप्पू की शॉपिंग भी हो गई, सबकी शॉपिंग हो गई। अब पेट पूजा, भूख लगी है। ये तुम्हारा बाल उजड़ गया बैंड? सब उजड़ गया बैंड। चलो भैया इसको पैक कर दो। अच्छा ठीक है। इसके बाद का क्या प्लान है? खाना है, फिर घर जाना है, आराम करना है। किधर? वाटर सीएमसी, बिहाइंड सीएमसी, वानम गेस्ट हाउस, पल्लियर रोड। प्रोनंसिएशन प्रॉब्लम। इधर बेंच पार्क है ना? इधर बेंच पार्क। बेंच पार्क? हाँ हाँ, हम देखे थे। वो अभी तो गए नहीं उधर। गए नहीं? नहीं। चलो, बहुत गर्मी है इधर। क्या फूड? फूड फूड क्या फूड? वी हैव ट्राइड सेट डोसा, सेट डोसा, सेट डोसा, आपका नाम? इरफान। वो हमारी दीदी। बहुत लोग कैमरा कॉन्शियस होते हैं, करते हैं। तभी तो कुछ बोलना चाहोगी? हाँ, अच्छा लगता है जब लोग ऐसे अप्रिशिएट करते हैं, मतलब जैसे उनको पता चलता है कि हम लोग यूट्यूब है, वीडियोस बनाते हैं, तो पूछते हैं कि क्या करते हो, कैसे वीडियोस बनाते हो। एक्चुअली वो लोग क्यूरियस है, सुन के बहुत एक्साइटेड हो गए। नहीं, वो लोग ना जानना चाहते हैं कि हाउ यूट्यूब फंक्शंस, तो अच्छा लगता है, मतलब कि लोगों में इंटरेस्ट है और आज की जो जनरेशन है उसमें तो ज्यादा ही इंटरेस्ट है। चलो चले भाई, हो गया। अब खाना खाते उस समय बात करेंगे। हाँ, बहुत, मेरे मुंह से ना बात नहीं निकल रहा, भाप निकल गर्मी से, पूरा शरीर से बात नहीं, भाप निकल रहा, पकड़ना। सो हम लोग खाने के लिए आ गए हैं बिना कोई रिस्क लिए। कहा अर्थ प्लेट, अर्थ प्लेट, अर्थ, तुम्हारे पीछे है, दिख रहा है पब्लिक को, अर्थ प्लेट, नॉट अर्थ प्लेट, अर्थ का प्लेट। चलो तो ऊपर चलना रानी, थक गई बेचारी, इतना कि इसको बस निकल के बैठा के मुंह में खिला दो। सही, मैंने कुछ नहीं चला बस अच्छा खाना भेजा। क्या ऑर्डर करने का सोची हो? चलो ना भाई, मेन्यू को देखते हैं, हम दिख रहे हैं। हाँ बोलो। हाँ, तो हमने ऑर्डर किया है चाइनीज सिजलर और इसके साथ एक और हाटा नूडल्स भी, और हमने फ्राई कर दी थी। कैसा है? अच्छा है।
बहुत टेस्टी है। टेस्ट कैसा है? बहुत अच्छा। चलो जल्दी से टूट पड़ो और खाओ। यहाँ पर हम लोग थोड़ी ट्रॉली की सफाई कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारी चीजें हो गई हैं जो इधर उधर हो गई है। अभी हम लोग समेटेंगे, पूरा ही समेट देंगे। सो हम लोग घर वापस आ गए। आने के बाद हमने क्या किया ना कि जितना भी हमने शॉपिंग किया है सारे लोगों के लिए, सारे लोगों में अभी बाबा, दादी, चाची, सुच्ची और पीहू, ये कुछ लोग छुटे हुए हैं जिनके लिए हमने कुछ नहीं लिया है। बाकी उसके अलावा तो हमने सब कुछ ले ही लिया है। आकाश के लिए भी हमने कुछ लिया ना? कुछ ऐसा खास प्रोडक्ट मिली नहीं, प्रोडक्ट आइटम या रिव्यू करते करते मुझसे प्रोडक्ट ही निकलता है। खैर, पापा और गुरजे जी के लिए बिल्कुल तो सबसे अच्छा लगा, और दीदी को जो साड़ी मिला है ना वो मेरे को सबसे अच्छा लगा। हम ही बोले दीदी को, इंसिस्ट किए कि बहन ले ले, और जो कलर है ना, मतलब वो दीदी का फेवरेट कलर है, तो आप लोग ना गेस भी आराम से कर सकते हो, है ना? हाँ, लैवेंडर। Obviously. तो वो जब पहनेंगे तब आप लोगों को दिखाएंगे। बाय द वे, हम लोग जब गए थे ना तो हम लोग बस ऐसे नॉर्मली देखने के लिए गए थे, पर वहाँ हमें बहुत अच्छे रेट में अच्छी सिल्क की, मैसूरी सिल्क की साड़ियाँ मिल गई। वो हाथ में लेने पे दीदी पता चल रहा है ऐसे रुमाल बन जा रहा है, बहुत अच्छा है। और वो दोनों दो साड़ियाँ हम खुद के लिए लिए हैं, एक मम्मी के लिए लिए हैं, और वो दोनों साड़ी ना रानी के चॉइस की है, मेरे चॉइस की नहीं है। तो ये बेसिकली अपने लिए ही ली है। अब मेरे हाँ। लिए हो या इसके लिए हो, बात तो बराबर है। तो आप लोगों को दिखा दें कि अभी हम लोग कैसे ट्रॉली को समेट रहे हैं। ये देखो आप लोग, जो कपड़े हमने पहन लिए उसको हमने अंदर डाल दिया। इधर हमने गिफ्ट्स वगैरह रख दिए हैं, चाचा और पापा का शर्ट, और ये सब कुछ कपड़े हैं जो कि अभी हम लोग समेटेंगे। क्या रानी, एक बात आप लोगों को बताए, दीदी खास कर क्या की थी ना, बहुत सारे स्टाइलिश और मोटे मोटे कपड़े लेकर आई थी, लेकिन अब उसको ये सब नहीं पहना जा रहा है यहाँ पर। मतलब इतनी गर्मी है ना। खैर, हम भी मोटे मोटे जींस लाए थे, लेकिन वो सब अंदर दीदी ऑलरेडी डाल चुकी है, और जितने भी हल्के और एकदम एरी कपड़े थे ना वो बाहर निकाल दिए, कि वही तीन चार जोड़ों से हम लोग पूरा काम चलाएंगे जितना भी दिन है। ये देखो, ये साड़ी आपको दिख रही है, ये सिल्क की साड़ी है, और इसके अलावा एक और सिल्क की साड़ी है जो कि रानी लाई है। हमने सोचा था कि साउथ इंडिया आ रहे हैं तो हम लोग साउथ इंडियन टाइप साड़ी पहनेंगे, गजरा लगाएंगे, रील्स बनाएंगे, ना हो पाई, मंदिर घूमने जाएंगे, ना हो पाई, ना हो पाई। वो हम लोग ऐसे ही लेकर रांची जा रहे हैं। खैर, ये सब समेट ले रहे हैं, और आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो रानी इस वीडियो को प्लीज लाइक जरूर कर देना। नए हो और हमारे ये प्यारे प्यारे फेस पहली बार देख रहे हो तो प्लीज हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना यार। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।